बिहार में करीब 1 लाख पदों पर टीचर्स की भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है। बीपीएससी ने जो शेड्यूल जारी किया उसके अंतर्गत 3 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर में 7 तारीख को इसकी परीक्षा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जो भर्ती आएगी उसका सिलेबस आपका क्या होगा। टीजीटी का मतलब 9 to 10th क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। और इसमें अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो परीक्षा पैटर्न और सिलेबस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स हम बताएंगे, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगी, कैसे मेरिट बनेगी, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपकी परीक्षा है वो मल्टीपल चॉइस की होगी, एक ही आपका एग्ज़ाम होना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर जॉब मिलने वाली है, सरकारी नौकरी। वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, कई सारे छात्र पूछ रहे थे। तो यहाँ पर एज लिमिट आप लोग देख लीजिए, मिनिमम यहाँ पर एज जो है वो 21 ईयर्स रहेगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और टीजीटी टीचर्स के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल है, ठीक है, अनारक्षित के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं एवं अनारक्षित महिलाएं, इनके लिए 40 वर्ष है। जो अदर स्टेट से महिलाएं हैं इनके लिए जो अपर एज है वो 40 वर्ष ही रहेगी। लेकिन अगर आप बिहार के SC ST पुरुष या महिला हैं तो आपके लिए यहाँ पर 42 वर्ष रहेगी। तो ये आपकी यहाँ पर एज लिमिट हो गई, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज की आई थिंक बाध्यता कोई नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है प्लस आप बीएड किए हुए हैं तो इस भर्ती में आप एकेडमिक रूप से एलिजिबल होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल रूप से आपको एलिजिबल होने के लिए यहाँ पर एस्टेट यानी बिहार में एस्टेट जो परीक्षा होती है वो आपके पास होना चाहिए क्वालिफाई। एस्टेट पेपर 1 यहाँ पर आपका माना जाएगा, 9 to 12th के लिए एस्टेट पेपर 1 होगा, 11 to 12th के लिए पेपर 2 होगा एस्टेट का। आपको बता दें ये एस्टेट को आप सीटेट के बराबर बिल्कुल भी ना समझें, सीटेट अलग चीज़ है, एस्टेट बिहार में करवाया जाता है। अगर आपके पास सीटेट है और फिर भी आप भरना चाहते हैं टीजीटी, तो टीजीटी में तो नहीं भर सकते, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी भी यहाँ पर आ रही है, करीब 32,000 वैकेंसी है, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट देख चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला आपका पेपर होगा, इसमें आपको बता दें 2 पेपर होंगे। तो जो पहला पेपर होगा वो भाषा का होगा, ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो जो पहला पेपर है 2 भाग में बटा होगा, एक होगा भाग 1 और एक होगा भाग 2। भाग 1 में 25 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर 1 में 100 होंगे। 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम मिलेगा और ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1 क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाग 1 और भाग 2 में पढ़ना क्या है। तो भाग 1 में आपको यहाँ पर पढ़ना है अंग्रेजी, भाग 1 में अंग्रेजी रहेगा, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन रहेंगे, वो सबके लिए कॉमन है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जो दूसरा भाग है जिसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें एक दूसरी भाषा आपको लेना है। अब दूसरी भाषा आप चूज कर सकते हैं कौन सी लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको हिंदी भाषा भी है, उर्दू भाषा भी है, बांग्ला भाषा भी है, इन 3 भाषाओं में किसी एक भाषा का विकल्प आपको चुनना होगा। सपोज करो आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी के आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 का परीक्षा पैटर्न हो गया।
आपको बताते हैं इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, यानी आप तुक्का भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके जो मार्क्स हैं मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, केवल और केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब है कम से कम 30% मार्क्स आपको लेकर के आना है, मतलब 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा तो 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अब आप चाहे 30 नंबर लाएं, चाहे 50 नंबर लाएं, चाहे 70 ले आएँ, चाहे 100 में 100 ले आएँ, ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, आपको पास कर दिया जाएगा। किसके लिए? नेक्स्ट पेपर के लिए। अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं तो जो पेपर टू होगा वो आपका जांचा नहीं जाएगा, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही आप पेपर टू में सारे नंबर लेकर के आएँ, फुल मार्क्स लेकर के आए हूँ। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर टू के बारे में। तो पेपर टू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पेपर टू में देखिए यहाँ पर इसमें भी आपके पेपर के दो ही भाग होंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड। जो पेपर टू का नाम है वो है विषय एवं सामान्य अध्ययन, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज, ठीक है। इसमें टोटल प्रश्न रहेंगे 120 प्रश्न, समय मिलेगा आपको 2 घंटे का, और 120 नंबर का भी पेपर रहेगा। तो कुल मिलाकर के 1 क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर भी आपका रहने वाला है। अब इसमें देखिए जो दो भाग होंगे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो आप जान लो। तो इसमें भाग फर्स्ट इसमें 80 प्रश्न होंगे, भाग टू जिसमें 40 प्रश्न होंगे। तो भाग फर्स्ट यहाँ पर रहेगा आपके विषय का, जिस विषय से आपने आवेदन किया है उस विषय से संबंधित यहाँ पर 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेंगे, ठीक है, आपको विकल्प दिए गए होंगे, उनको जो सही उत्तर उसको काला करना होगा। अब इसमें सपोज कर आपने हिंदी के लिए आवेदन किया तो हिंदी के 80 प्रश्न रहेंगे, संस्कृत के लिए आवेदन किया तो संस्कृत के प्रश्न रहेंगे 80, मैथ के लिए आवेदन किया है, विज्ञान के लिए आवेदन किया है, सोशल साइंस के लिए आवेदन किया है, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट आपका रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर 40 प्रश्न का। अब ये जो 40 प्रश्न रहेगा इसमें क्या पूछा जाएगा, तो ये एक सामान्य अध्ययन का पेपर आपका रहेगा जिसको GS कहते हैं। इस GS में क्या क्या आएगा वो जान लो। इसमें आपको पढ़ना होगा प्रारंभिक गणित, साथ में सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान भी पढ़ना होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना होगा, और भूगोल पढ़ना होगा। ये कुल मिलाकर के 5-6 सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनको आपको पढ़ना होगा इस 40 नंबर के भाग के लिए। तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्न यहाँ पर आपके बन जाएंगे और आपको 120 नंबर का ये हो गया। अच्छा, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा भाग फर्स्ट, उसका लेवल क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि भाग फर्स्ट जो कि आपके विषय से संबंधित होगा, इसमें NCERT से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी NCERT की बुक्स आपको पढ़ना है। और जिसका डिफिकल्टी लेवल होगा ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जब पहली बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था BPSC सिलेबस का एग्जाम पैटर्न का, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, देखो लिखा भी है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, लेकिन बाद में इस नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग ना तो पेपर वन में है ना तो पेपर टू में है, निश्चिंत होकर के आप एग्ज़ाम दीजिए। और इस बार का जो पेपर है काफ़ी सरल भी आएगा, क्योंकि पिछली बार का पेपर टफ आ गया था तो कट ऑफ जो है गिरानी पड़ी थी, इस बार ऐसा ना हो तो BPSC ने कहा है कि हम पेपर इजी बनाएंगे। अब इजी बनाएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब यहाँ पर पासिंग मार्क देख लो, कितना पासिंग मार्क यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बिहार के शिक्षक भर्ती में जो सामान्य अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए पासिंग मार्क रहेगा 40%। सामान्य में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आते हैं, महिला जो अभ्यर्थी होती हैं उनको यहाँ पर छूट मिल जाती है। कितना रहेगा वो वहाँ पर देख सकते हैं, लिखा सामान्य अभ्यर्थियों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, SC ST और जितनी महिलाएं हैं उन सबके लिए 32% पासिंग मार्क यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क आपको दोनों पेपर में नहीं लेकर के आना, ये केवल पहले दूसरे पेपर की यहाँ पर बात हो रही। पहले पेपर में 30% फिक्स है, पहले पेपर में आप 30% नंबर लेकर के आए तो आप
पहला पेपर क्वालिफाई हो गया, अब दूसरा पेपर आपका जांचा जाएगा। दूसरे पेपर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं, मैक्सिमम 40% जनरल छात्रों के लिए, और जो अभी भर्ती हुई है इसमें आप देखेंगे 40% से नीचे कट ऑफ गई है। अगर 120 नंबर का आपका दूसरा पेपर है, इसका 40% निकालते हैं आप तो ये आता है 48 नंबर। लेकिन आपको बता दें टीजीटी पीजीटी में जो भर्तियां हुई हैं उसमें जनरल छात्रों को मात्र 39 नंबर पर सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि अभ्यर्थी ही उपलब्ध नहीं थे और सरकार को लेना था, तो 39 नंबर पर क्वालिफाई हुए जो कि इस कट ऑफ से भी कम जाता है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा जैसा कि मैंने पहले बताया था। और हाँ, अगर इसकी कट ऑफ जानना चाहते हैं विषयवार कि कितनी कितनी किस सब्जेक्ट की कट ऑफ गई है, तो उसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आपको कार्ड वाले बटन पे और एंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इसका कट ऑफ गया है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।